हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। मायसेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा मैं फिर से आया हूँ, राइट, आपके लिए क्या लेकर के, रोलिंग मोशन, राइट, पार्ट टू ऑफ द वीडियो। बेटा ये ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूँ। और बेटा ये टॉपिक हमेशा बच्चों को क्या करता है, परेशान करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक को एकदम आसान ट्रिक्स, मैं कह रहा हूँ बहुत एक्सट्रीमली लेवल, अच्छे लेवल की ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूँ उस वीडियो में आपके लिए, करेक्ट। इसका मैंने पार्ट वन ऑलरेडी बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे कहने पे एक बार उस वीडियो को देख लो, करेक्ट, वो आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। जैसे पुलिस के अंदर जब मास होता है तब कैसे करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे देखते हैं, रोलिंग होता क्या है, करेक्ट। तो उस तरह के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, उनको एक एक लाइन में हमने किया। मैं आज भी वैसा ही कुछ करने जा रहा हूं, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हल्का सा पुराना रिलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार वो 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो है मुश्किल से, उसको देख लो और फिर इस वीडियो को देखना, ज्यादा मजा आएगा आपको बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, ऑफ कोर्स बेटा ये हमारे पास क्या है, रफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं, और इसके ऊपर अपने एक बॉडी रख दी अपन ने, जिसका मास हम कितना कह देते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल एम, रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, K नॉट एम आर स्क्वायर, कितना, K नॉट इंटू एम आर स्क्वायर। तो बेटा अब अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर बॉडी पे हमने क्या किया, एक कैपिटल F फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से बेटा फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है पीछे की तरफ, कोई दिक्कत, जिसकी वजह से इसको एक तो एक्सेलरेशन A मिल गया और एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मिल गया, अल्फा। हमें बेटा देखो फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, हमें लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए बताना है, और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा बताना है। ये सब हमें बताना है इस पर्टिकुलर केस में, अगर ये बॉडी क्या करे, प्योर रोलिंग करे ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप हमें ये के नॉट के बारे में थोड़ा सा बता दो दोबारा से, क्योंकि पिछले वीडियो कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, ऑल्दो मैंने बोला है देख लो, बट फिर भी मैं बता देता हूं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता हूं। के नॉट का मतलब है एक ऐसा नंबर जो एम आर स्क्वायर के साथ लिखा रहता है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा है, 2/5, तो ये के नॉट वो 2/5 है। अगर इसी की जगह ये डिस्क होती तो डिस्क का फिर साथ में क्या लिखा होता भाई, 1/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो एम आर स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है, तो उसका के नॉट कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम के नॉट निकाल सकते हैं। बोले ठीक है सर, अब ये बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने कहा सबसे पहले क्या बताना था, एक्सेलरेशन। देखो बेटा मैं ना इक्वेशंस वगैरह में नहीं फंसाऊंगा आपको, मैं आपको सीधे एक्सप्रेशन बताऊंगा कि कैसे एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं, तो आराम से सुनना। हमने कहा अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखता तो एक्सेलरेशन क्या एफ ओपन एम होता है, बोले बिल्कुल होता है। फोर्स यहां पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, कैपिटल एफ, फ्रिक्शन को नहीं देखना है, कैपिटल एफ लग रही है, डिवाइडेड बाय मास। आप देखो पिछले वीडियो में जब मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था, मैंने क्लियरली बोला था कि मास दो तरह का होता है, इनफैक्ट पुली में भी बताया था, एक ट्रांसलेशनल मास जिसे आप एम कहते हो, और एक बेटा रोटेशनल मास जिसे आप क्या कहते हो, के नॉट एम। यानी जब बॉडी ट्रांसलेट करती है तो एम काम करता है, और जब रोटेट करती है तो के नॉट एम काम करता है। बोले मतलब ये कि यहां पे ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो इसमें तो दोनों के दोनों मास काम करेंगे, इसलिए एफ अपॉन एम में एम तो लिखूंगा ही लिखूंगा ट्रांसलेशन की वजह से, साथ ही साथ रोटेशनल की वजह से और क्या लिख दूंगा, के नॉट एम। इसलिए बेटा ध्यान से देखोगे तो ये ए का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, एफ अपॉन एम के नॉट प्लस 1। अब बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है बिना इक्वेशन के मैं सीधे एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, बोले हां सर ये बात तो सही है। अच्छा इसी के साथ साथ अगर मुझे अल्फा पूछ ले, बेटा अल्फा में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे कितना होता है, ए बाय आर, क्यों, ए इक्वल टू अल्फा होता है प्योर रोलिंग के लिए, ए अपने को पता है, तो ये क्या अपने आप एफ अपॉन एम आर, और ब्रैकेट में बेटा फिर से कितना आ जाएगा, के नॉट प्लस 1। यानी ये बात भी आसान है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर। और इसके अलावा बेटा लास्ट पार्ट जो कह रहा था ना फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए मैं आपको सीधे एक्सप्रेशन बता रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स के लिए आप यूज कर सकते हो के एम ए। बेटा मैं इक्वेशंस पे या डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है ना, बट मैं चाह रहा हूं कि कंसाइज रिविजन आपका रोलिंग मोशन का हो, जिसमें आपको कम से कम एफर्ट और कम से कम फॉर्मूले याद करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, और कोई सवाल आपका नहीं अटकेगा प्योर रोलिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज समथिंग आई एम गारंटी,
ठीक, तो आराम से इसको समझ के याद कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, के एम ए, ए आपको याद है एफ ओपन एम, ये तो लॉजिकल है, अल्फा ए बाय आर ये भी लॉजिकल है, ये आप याद करो कि एफ कितना होता है, के टाइम्स ऑफ एम ए होता है, और बेटा के टाइम्स ऑफ एम ए होने का मतलब कितना हो जाएगा, एम और एम तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के एफ अपॉन के नॉट प्लस वन। तो बेटा यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपको फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? अब देखो इसमें अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई है ना, तो इसी को यूज करते हुए, ऑल्दो मैंने ऊपर हेडिंग में नहीं लिखा है, पर मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में भी बता सकता हूं। देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत ही आसान है बेटा, अपने को पता है कि यहां पे नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अपने पास पता है क्या लग रहा था, एम जी। क्या हमें नहीं पता कि फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा अगर स्लाइडिंग करे तो, और हमें बेटा हमेशा बोला जाएगा म्यू मिनिमम। तो जब कभी भी म्यू मिनिमम बोल दिया गया, देखो मैं यहां उठा के लिख रहा हूं, जब कभी भी अगर आपसे बोल दे कि भाई हमें तो म्यू मिनिमम बता दो, तो आप सीधे सीधे क्या करना बेटा, एफ बाय एन कर देना। ये बस एक्स्ट्रा पार्टी बता रहा हूं, और एफ बाय एन करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप कर सकते हो अपने लेवल पे, करेक्ट। फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, के एफ अपॉन के नॉट प्लस वन, करेक्ट। अच्छा यहां पे भी बेटा के जो है ना, ये के नॉट ही है, इसको के नॉट ही कर देना, कहीं गलती से भूल जाओ, ठीक है। तो के नॉट एफ वन, के नॉट प्लस वन, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं इसको, और इसी को उठा के क्या कर देना, एफ अपॉन एम, और एन का मतलब बेटा एम जी के बराबर इस पर्टिकुलर केस में, क्लियर। तो इसको अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार समराइज कर देता हूं। ए के लिए कुछ भी नहीं करना, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, फोर्स हम लेंगे एक्सटर्नल कैपिटल एफ, और मास में हम लेंगे ट्रांसलेशनल मास स्मॉल एम, ठीक। कौन सा मास, ट्रांसलेशनल मास स्मॉल एम, देखो मैं बता देता हूं, ट्रांसलेशनल मास स्मॉल एम, और रोटेशनल का मास कितना, के नॉट एम, तो अपने आप एफ बाय एम के नॉट प्लस वन। आसान है याद करने के लिए, बोले हां सर आसान है, ठीक। दूसरा अल्फा ए बाय आर होता है, ए पता है एफ अपॉन एम के नॉट प्लस वन, उसको आर से डिवाइड करोगे अल्फा आ जाएगा, बोले हां सर ये भी आसान है। इसके लिए मैंने कहा बेटा ये एक याद कर लो आप प्लीज प्रॉपरली, है ना, कि एफ इक्वल टू के नॉट एम ए, के नॉट आपको पता है क्या है, एम आपको पता है क्या है, ए आप निकाल चुके हो, अपने आप आपको फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा, और इसी फ्रिक्शन को बेटा अगर नॉर्मल से डिवाइड कर दिया तो आपको म्यू मिनिमम भी निकल के आ जाएगा। बेटा इसके बाहर सवाल जा नहीं सकता, या तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसके अलावा आपसे ए पूछ लेगा, अल्फा पूछ लेगा, ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन हद हो गई तो म्यू मिनिमम, इसके बाहर सवाल नहीं जा सकता। और मेरे हिसाब से चारों ही निकालना बेटा बहुत आसान है, और अभी तो मैं बता रहा हूं ये फिर भी थोड़ा बेसिक है, अभी जस्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखना ये सवाल और कितना हल्का हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बेटा वेज वाले क्वेश्चन आते हैं भर के, स्लिपिंग, टाइम ऑफ स्लिपिंग, नीचे पहुंचने पे स्पीड, फलाना ढिमका, उन सबको देखो एक एक लाइन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आराम से इसको समझो, एब्जॉर्ब करो अपने दिमाग में, फिर वीडियो को बेटा आगे लेकर के चलो, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लो, लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, एक वेज ले लिया, वेज ट्राइंगुलर वेज, जिसका एंगल कितना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेटा थीटा है, ठीक। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक बॉडी रख दी, राइट, मैंने इसके ऊपर एक बॉडी रख दी, और इस बॉडी का मतलब क्या हुआ, फिर से एम कॉमा आर कॉमा के नॉट एम आर स्क्वायर। मेरे को लग रहा है अब आप समझने लग गए होंगे, एम का मतलब मास, आर का मतलब रेडियस, और के नॉट एम आर स्क्वायर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इस बॉडी को इस सरफेस पे छोड़ दिया, ऑफकोर्स ये रफ है, म्यू दे रखा है, तो बेटा अगर देखोगे तो सेंटर से क्या यहां पर एम जी साइन थीटा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एम जी क्या लगता है, नीचे, नीचे का ये कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा। बेटा दूसरा जो कॉम्पोनेंट निकल के आता है ये अपने को पता है कितना लगता है, एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। इसके अलावा बेटा नॉर्मल क्या लगेगा, इस तरफ, और देखो फिर से सेंटर से फोर्स पास करिए तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ। अपने से फिर से वही सब सवाल पूछेगा, फिर से फ्रिक्शन बताओ, ए बताओ, अल्फा बताओ, कंपेयर करो अलग अलग बॉडीज के लिए, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं हमको आता है, बहुत ही हल्का है, तो बहुत ही हल्का। ए बराबर क्या था, एफ अपॉन टोटल मास, एफ की जगह बेटा क्या अब की बार एम जी साइन थीटा से खींच रहा है सेंटर से, मतलब पहले जो कैपिटल एफ मैंने लगाया था वो अब की बार कौन लगा रहा है, ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट, यानी यहां पर मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा, ये हो गई मेरी एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन तब भी नहीं लिया था अब भी नहीं ले रहा, डिवाइडेड बाय, बस जुगाड़ है, ट्रिक है, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, वरना तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशन मास m, क्योंकि ये भी प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, देखो लिख दिया मैंने प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्लस बेटा रोटेशनल मास कितना बताया, के नॉट m। आप देखो बेटा आपका जीवन कितना आसान हो जा रहा है,
इसी सवाल को सॉल्व करने में ना बच्चा आधा पेज लगता है, आधे से एक पेज, और उसके बाद ही बच्चों के दिमाग में जाता नहीं कि बोल क्या रहे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे एक लाइन में लिख दिया है जी साइन थीटा अपॉन के नॉट प्लस वन। समझ आया बेटा? के नॉट ठीक से लिखूं? ठीक है, लिख देता हूं तुम कह रहे हो तो, ऑल्दो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ट्राई कर लेता हूं। ठीक है, तो जी साइन थीटा अपॉन के प्लस वन। फिर से अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई अल्फा बता दो, हमका कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्या है, ए बाय आर। ठीक है, अल्फा अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, ए बाय आर। ठीक है, कोई बोलता है सर फ्रिक्शन, मैंने कहा ठीक है फ्रिक्शन का क्या तरीका बताया था, के टाइम्स ऑफ एम है, तो अपने को पता है के तो के ही है, मतलब के नॉट एम की जगह एम है और ए की जगह कितना, जी साइन थीटा अपॉन के नॉट प्लस वन। और बेटा कोई लास्ट में अगर पूछ ले म्यू, तो म्यू अपने को पता है, म्यू भी कौन सा हमेशा मिनिमम एफ बाय एन। एफ के बारे में तो आपको पहले से पता है, एन के बारे में बता देता हूं, म्यू एम सॉरी एफ के बारे में बेटा अपना जो नॉर्मल फोर्स यहां पे लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी कॉस थीटा। बोलोगे सर कैसे, मैंने कहा कैसे क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा कि भाई अगर ये बॉडी को देख रहे हो ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ना तो ये तोड़ करके इसके अंदर जाएगा ना हवा में उड़ेगा, मतलब फोर्सेस क्या है बैलेंस, इसलिए नॉर्मल उठा के कितना डाल दिया एम जी कॉस थीटा। अब आप खुद देखो बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मैं लिटरली बता रहा हूं जी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, चार लाइन को हमने चार स्टेप में कर दिया, मतलब चार अच्छे सवालों को हमने एक बार में खत्म कर दिया और बिना लोड लिए दिमाग पे, बिना लोड लिए बिल्कुल आसान भाषा के अंदर सीधे सीधे a बराबर f by m लिख दिया, बस m की जगह ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मास लिख दिया। अल्फा अपने को बताइए एक बार, फ्रिक्शन अपने को बताइए k m a, a पहले से पता था अपने अब फ्रिक्शन आ गया, लास्ट में रही बात म्यू मिनिमम f by n होता है और यहां पर बेटा जो n है नॉर्मल फोर्स वो कितना है mg cos थीटा। आप खुद सोचो बेटा, मतलब खुद आप ट्राई करो, बुक्स ओपन करके देखोगे ना बेटा इसको करने में पेजेस ही लगते हैं, आप लाइंस में कर सकते हो, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ये काम की ट्रिक्स है जो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूं, आप मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है क्लियर। ठीक है, हो सकता है कुछ एक टीचर्स भी यूज कर ले एनीवेज अच्छी बात है ना बेटा, नॉलेज फैलाने से बढ़ती है, इट्स गुड राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक कि वेज के ऊपर अगर कोई बॉडी को रोलिंग करवाओगे प्योर रोलिंग रफ वेज पे, तो अगर मुझे बोला जाए कि भाई लीनियर एक्सप्रेशन फ्रिक्शन एंगुलर एक्सप्रेशन म्यू ये सब मैं निकाल सकता हूं बहुत आराम से हलवे की तरह। ठीक, इसको अगर समझ लिया दिमाग में आपके बैठ गया अच्छे से कॉपी कर लिया हो तो अब आगे बढ़ना, मैं इसी से रिलेटेड अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा। देखो अब अपन बढ़ते हैं बेटा, ये ना एक एक कहते हैं ना जिसे कन्वेंशनल क्वेश्चन, जिसे कहते हैं ना कि भाई आप मतलब एकदम ऐसा क्वेश्चन जिसको मतलब बुरी तरह ठोकर खाया हुआ क्वेश्चन, ये वैसा है, हर किताब हर टेस्ट हर जगह आपको मिलेगा, तो अच्छे समझ लिया। इनफैक्ट इस साल की जेई मेन की जो शिफ्ट थी किसी एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था, तो अच्छे समझ लेना, बता रहा हूं बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो आपको ही बोल दिया गया कि आपके पास एक बॉडी है, वही सारा डेटा अपना तो फिक्स है, एम कॉमा आर कॉमा के नॉट एम आर स्क्वायर, के नॉट का वैल्यू आप डालते रहना क्योंकि सेम क्वेश्चन में कभी डिस्क देगा, कभी रिंग देगा, कभी सॉलिड स्फीयर देगा, कभी सिलेंडर देगा, आप के नॉट की वैल्यू बदलते रहो, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये डेटा दे रखा था, हमें बताना था कि भाई टाइम टू स्लाइड डाउन नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, बोले ठीक और पूछो स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, मतलब नीचे पहुंचने में स्पीड कितना होगा, और इसके अलावा बस प्योर रोलिंग कर रहा है। हमने कहा ठीक है, मतलब ये कहां से स्टार्ट कर रहा होगा बेटा, जीरो से, इसको जस्ट छोड़ा गया होगा। ठीक है, तो ये जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा बेटा, तो आप भी समझ रहे हो कि इसके पास क्या क्या होगा, वी भी होगा और साथ ही साथ इसके पास क्या होगा, एक ओमेगा भी होगा। ठीक है, देखो इसके पास क्या होगा, वी तो होगा ही होगा, साथ के साथ क्या होगा, ओमेगा। ये हाइट जो इसको उतर के नीचे आनी है बेटा, वो कितनी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, हाइट एच, समझे बेटा, ठीक से लिख दो इसको, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, क्लियरली बोल रहा हूं ना, h। ठीक है, h हाइट नीचे उतर के आना है, तो h हाइट नीचे उतर के आने पे कितना इसका स्पीड हो जाएगा, कितना टाइम इसको लग जाएगा, वो हमको बताना था, एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी है। हमने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझना, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल हल्के भाई। अगर हमको सबसे पहले स्पीड चाहिए तो आप याद करो, आपने पढ़ा होगा है ना, 9th-10th तक में आप पढ़ते हुए आयो, एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, बस वही लिखने जा रहा हूं, लॉस इन पोटेंशियल कितना था बेटा, एम जी एच, क्योंकि एच हाइट नीचे आ गया। ठीक, देखो एच हाइट नीचे आ रहा है ना, तो लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ, एम जी एच, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो बेटा टोटल में होगी ना,
और मैंने टोटल कितना लिखवाया था पिछले वीडियो में बताया भी था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के नॉट प्लस वन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं देखा वीडियो फिर देख लो, मैं बता रहा हूं बहुत काम का वीडियो था। तो हाफ, वरना फिर यही करते रहे ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आई को डालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ओमेगा को डालना वी बाय आर, उसको बैठ के सॉल्व करना और एक मिनट अपना गवा देना, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप वो काम करोगे क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे करना है, समझिए बात। तो हाफ के नॉट प्लस वन इंटू कितना एम वी स्क्वायर। अब बेटा आप खुद देखो ना दिमाग से, एम से एम कट गया, अपने आप देखो वी का फॉर्मूला अपने पास कितना निकल के आ गया, रूट टू जी एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय के नॉट प्लस वन, समझे बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। डिस्क बोलते के नॉट की जगह 1/2, रिंग बोले तो 1, सॉलिड स्फीयर बोले तो 2/5, हॉलो स्फीयर बोले तो 2/3, सॉलिड सिलेंडर बोल दे तो वही डिस्क वाला मामला 1/2, और अगर बोल दे रिंग हॉलो सिलेंडर तो रिंग वाला मामला मतलब 1, ऐसे करके बेटा वी आ जाएगा। और ये बहुत काम का सवाल है, कंपेयर करने के लिए आता है। अभी समझ आया? आ गया सर, ठीक। तो V आपको समझ आ गया, A मैं पहले ही लिखवा चुका हूं इससे पहले वाली स्लाइड में, आपकी कॉपी में होगा भी अगर आप लिख रहे हो सीरियसली। और बेटा T अगर चाहिए, क्या V इक्वल टू U प्लस AT होगा? अरे बिल्कुल होगा, V इक्वल टू, यहां लिख दूं, देखो यहां लिख देता हूं, V इक्वल टू U प्लस AT, U तो आपका कितना है 0, तो जो T आएगा बेटा क्या वो सीधे सीधे V बाय A नहीं आ जाएगा? अब V बाय A जैसे ही आएगा बेटा ध्यान से देखना, V की जगह अपने को पता है रूट टू जी एच अपॉन के नॉट प्लस वन। ये बड़ा गंदा लिखा है, रुको आराम से लिख, के नॉट प्लस वन। और बेटा एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन अभी निकाला था अपन ने, जी साइन थीटा अपॉन के नॉट प्लस वन, ठीक। यानी यहां से मेरे को वी एज वेल एज टी आ गया। अब बेटा देखो क्वेश्चन कैसे अपने पास आएगा ना, ये इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक्चुअल क्रक्स बताने जा रहा हूं। ये जितना भी पढ़ाई सब हटा रहा हूं मैं, डायग्राम जो मुझे नहीं चाहिए थे ठीक हटा रहा हूं सब कुछ। आपसे बेटा सीधे सीधे बोलेगा कि भाई मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, एक रिंग है, एक डिस्क है, और मैंने सबको एक साथ टॉप ऑफ द रफ इंक्लाइन से यूज कर दिया। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं रफ, रफ तभी प्योर रोलिंग होगी, अगर रफ की जगह स्मूथ हो गया तो स्किडिंग हो जाएगी, फिर सबका सब बराबर है, ठीक। तो आपके पास आइडेंटिकल मासेस की चार बॉडियां एक साथ रिलीज किया, आपको बोलेगा बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बताओ किसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बस तरीका बता रहा हूं आपको, आराम से समझना। के नॉट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और लिख देता हूं आपके कहने पर, के डिस्क अगर होता तो 1/2, के रिंग अगर होता तो 1, के सॉलिड स्फीयर अगर होता तो 2/5, और के हॉलो स्फीयर अगर होता तो 2/3। ये अलग अलग वैल्यूज हैं के की, ठीक। आपको यही चारों चीजों को कंपेयर करने के लिए आएगा, तो आराम से सुनना, आराम से मैं यहां लिख रहा हूं। जिसका के, के का मतलब हर जगह के नॉट है बेटा अपना, ये जितना ज्यादा है ना ये सब नॉट है, नॉट 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 नॉट, ठीक। हम कह रहे हैं जिसका के नॉट ज्यादा, आराम से सुनना, उसका V कम, ठीक, उसका V कम क्योंकि डिनोमिनेटर में है। जिस, अब यहां से देखो ये ऊपर रूट नहीं है, इधर रूट है, तो कट के ऊपर रूट में क्या आ जाएगा, यानी जिसका K ज्यादा उसका समय ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है जिसकी स्पीड कम है उसको ज्यादा समय लगेगा। और एक्सेलरेशन था G साइन थीटा अपॉन में K, तो जिसका K ज्यादा करेक्ट उसका A भी कम, उसका ए भी कम, ऑब्वियस सी बात है स्पीड ए कम होगा तभी तो स्पीड कम होगी। यहां से बेटा इन चारों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, समझे बात को। तो ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा के किसका है, रिंग का, और सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। यानी सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को लगेगा, रिंग सबसे धीरे धीरे आएगी, सबसे बाद में आएगी, करेक्ट। सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को लगेगा। ऐसे ही बेटा देखो आपको चारों के लिख दिए मैंने, आपको प्रोपोर्शनलिटी बता दी कि जिसका के ज्यादा उसका वी कम, उसका टी ज्यादा उसका ए कम। अब आप के का ऑर्डर लिखो, अपने आप से चारों के एक्सेलरेशन का ऑर्डर लिखो, अपने आप से चारों के वेलोसिटी का ऑर्डर लिखो, अपने आप से चारों के टाइम का ऑर्डर लिखो, और फिर उसको याद कर लो समझ करके अच्छे से। ये कम से कम 10 अलग अलग सवाल बना देगा आपके लिए, समझ गए मेरी बात को। और अगर ये क्लियर हो गया हो, अच्छे समझ आ गया हो,
तो उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में ये रफ की जगह कैसा इंक्लाइंड बोल देता है, स्मूथ बोल देता है। अगर स्मूथ बोल दिया मतलब नो रोलिंग, और नो रोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, रोटेशनल मास जीरो, यानी हर जगह के नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। और बेटा जैसे ही के नॉट जीरो हुआ ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, सेम। तो V सबका क्या हो जाएगा, सेम। T सबका क्या हो जाएगा, सेम। A सबका क्या हो जाएगा, सेम। समझ गए बात को? तो फिर वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। कभी कभी इसे लैंग्वेज ट्रिक कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में बेटा कई बार बोले थे स्मूथ इंक्लाइन पे चार बॉडी छोड़ी, बताओ सबसे पहले कौन आएगा। आंसर बच्चा फट से क्या बोलता है, सॉलिड स्फीयर। जबकि आंसर क्या है, सब एक साथ आएंगे अगर स्मूथ है तो। रफ है ऑफकोर्स सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, रिंग सबसे बाद में आएगा। तो बेटा प्लीज इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देना और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते वक्त देख लेना कि कहीं कहीं पे स्मूथ तो नहीं लिख दिया इंक्लाइन को, वो बोलते ही सवाल पूरा खराब हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है बेटा यहां तक? तो अगर यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है, तो अच्छी बात है। आप इसको अच्छे से समझ लो, है ना, बिल्कुल दिमाग लगा के एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर तक, और एक बार और गो थ्रू कर लो। फिर भी कोई चैलेंज लगे तो कमेंट बॉक्स में डालो। आपको लगे कि हाँ सर ने जो ट्रिक्स बताई यार वो बढ़िया है, सच में काम किए हैं, और आपका टाइम और आपका एफर्ट बच जा रहा है और ब्रेन पे लोड बच जा रहा है रोलिंग को लेकर के, दोनों पार्ट मिला करके कह रहा हूं, तो फिर बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना या वीडियो को लाइक करना, सो दैट आई मे नो कि हाँ यार मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात, नहीं किया विल इंप्रूव, राइट। सो दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। And that's all from my side related to pure rolling, correct? आप इसे complete कर लो एक बार, मैंने बिल्कुल basic level पे cover किया है। और अगर आपको लगता है और इसमें requirement है तो you let me know in the comment box with the new topics, I'll surely come back with you, right? बेटा meanwhile take care, stay safe, अच्छे से पढ़ो, जान लगा के मेहनत करो और मजा लेके पढ़ो, ठीक है? Stay safe, take care, bye bye.